तेरे लिए ही जिया मैं, खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा ना रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। गुड मॉर्निंग। तो आज है तारीख 3 अक्टूबर 2021 और मैं निकल रहा हूँ फिलहाल यहाँ से लूड़े की तरफ। मेरे साथ रामलला भी जा रहा है और लूड़े से ही हमारा एक जगह का और प्लान हो चुका है। तो चलिए पहले चलते हैं रामलला के घर और रामलला के घर लाल चाय आनंद लेने के पश्चात हम लोग निकल जाएंगे लूड़े की तरफ। तो पहुँच चुका हूँ रामलला के घर पे। क्या का व्यवस्था हो रहा है? चाय का? चाय है, सेव है, खाना क्या है तेरे को? बस चाय में आनंद लेते हैं बस। जब हम लोग मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो मैं सुबह ही रामलला को बोल दिया था कि जब मैं आऊंगा ना उस समय हम लोग चाय आनंद लेंगे, स्पेशल वाला। चाय बना के तैयार कर दिया था और उसको गर्म कर रहा है ताकि हम लोगों को निकलने में यहाँ से किसी भी प्रकार से कोई विलम्ब ना हो। तो एडवांस में व्यवस्था करके रखा है रामलला, बढ़िया है। तो रेडी है हमारा लाल चाय और अभी के अब चलते हैं। कसम से बहुत अच्छा बनाया है, बड़ा बढ़िया लग रहा है रे। तो हम लोग चिकनी पानी से कुछ ही दूर ये भरारी नाला नामक एक जगह में है, मतलब भरारी नाला इस जगह का नाम है। मतलब एक नाला, मतलब पानी जो बहता है ना छोटे रूप में, उसे नाला कहा जाता है। और हमारे साइड में देखिए ये पूरा का पूरा जंगल ही है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। और ये खूबसूरत सा सड़क, और इधर पे धान की खेती लगी हुई है, और ये बेर का वृक्ष देखिए हमारे जस्ट सामने, और बहुत ही छायादार जगह है ये। तो सामने फिर से बेहद खूबसूरत दृश्य देखिए। हम लोग पहुंच चुके हैं बाहमा नाम की जगह, एक प्यारा सा छोटा सा गांव है देखिए ये। और ये सामने देखिए भैंसों की जनसंख्या यहाँ पे अच्छी खासी लग रही है। ये है प्योर वाला गांव, ब्रांडेड गांव। यह बरगद का पेड़ और इधर भी तालाब है देखिए, तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं और इधर भी एक खूबसूरत सा तालाब है। तो पहुंचने वाले हैं हम लोग राजपुर, और राजपुर से पहले ये देखिए खूबसूरत सा आम का बगीचा, और बगीचे में ये देखिए बकरियां, गाय बैल ये सब चर रहे हैं, बहुत सुंदर प्यारे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं राजपुर, और राजपुर में जैसे कि जब भी हम लोग कुर्रा को खाते थे यहाँ पान जरूर खाते थे, तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं अभी पान, मीठा पान। चिप्स, सुपारी, चमन चटनी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कतरी दे दीजिएगा, और चटनी तो बढ़िया दे दी है ना। तो पान बनवा के मैं बनवा दिया हूँ, और स्कूल जहाँ पे जो मेरा फेवरेट स्थल है वहीं पे खाऊंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। जब भी कुर्रा गुफा जाता था ना मैं उसी जगह पे पान को खोल के मैं खाता था। तो सीधा चलते हैं उस जगह पे। ये सीधा जो दिख रहा है आप लोगों को, ये रास्ता निकल जाता है लैलूंगा की तरफ, और इस वाले गेट में हमको एंट्री करनी है। और जैसे ही हम लोग इस गेट में प्रवेश करते हैं अंदर की दुनिया ही बदल जाती है देखिएगा। अभी तो पहले ये छोटा सा गांव का इलाका पड़ेगा, और उसके बाद जो हमारी प्रकृति से मुलाकात होगी एक तरफा, बहुत ही पुरानी मंदिर है जगन्नाथ भगवान की, जय जगन्नाथ। और ग्रामीण देखिए धान को मिसने का कैसा जुगाड़ बनाते हैं, जो भी पहिए होते हैं ना इनमें चलते हैं और फ्री में इनका जो है धान हो चाहे उड़द हो मिसा जाता है। तो
यही है वो जगह जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसी जगह पे मैं इस पान को ओपन करके खाऊंगा। तो फाइनली वो जगह पहुँच चुका है, ये हमारा निकल चुका है पान। ये देखिए रामलला तो खाता नहीं है। और ये जो आप लोग सामने जो गेट देख रहे हैं ना, इस गेट के बाद पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है। प्रकृति का जो हिस्सा है ना वो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, प्रकृति का स्वरूप बदल सा जाता है। और वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है, शायद आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा ये पेड़ पौधों की वजह से, उसी पहाड़ों के नीचे हमारे बाबा जी विराजते हैं और हम लोग उन्हीं बाबा जी के चरणों में जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने। तो बस किस्मत हमें साथ देता है कि नहीं, देखते हैं बाबा मिलते हैं नहीं। तो पानानंद लेता हूँ। पान दबा लेने के बाद परम शांति महसूस हुई। तो ये चालू हो चुकी है कुर्रा गुफा की दुनिया। देखिए एक विहंगम दृश्य हमारे नजरों के सामने, और ज्यादा दूर नहीं, यहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है कुर्रा गुफा के लिए। तो आखिरकार पहुंच गए हम लोग कुर्रा गुफा, और ये है देखिए कुर्रा गुफा का प्रवेश द्वार, और इधर है एक सांस्कृतिक चबूतरा, और साइड में आप लोग ये देख रहे हैं पेड़ पौधों का अच्छा खासा समूह है जिसमें अमरूद के पेड़ और भी कई अन्य प्रजातियों के पेड़ हैं, और ये सामने पहाड़े हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा शांत महसूस हो रहा है, बिल्कुल एक भी कोई एक्स्ट्रा आवाज़ सुनाई नहीं आ रहा है, एकदम शांत महसूस हो रहा है ना, एकदम साइलेंट, बहुत ही सुंदर। और देखिए कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, कितने पत्ते यहाँ पे गिरते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ की साफ़ सफाई आप देखिए। चिड़ियों की प्यारी प्यारी यहाँ पे ध्वनि सुनाई दे रही है, ये देखिए चहचहाहट उनकी। अब तो सिर्फ एक ही सवाल दिमाग में आ रहा है कि बाबा है कि नहीं। बाबा होना तो चाहिए। नहीं है यार, कहाँ चले गए। तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते थे बाबा के दर्शन होते थे, उनका आशीर्वाद लेके हम लोग जाते थे। लगभग हम लोगों को 1 साल हो चुका है हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाए थे, और उस 1 साल के भीतर पता नहीं क्या हुआ, बाबा यहाँ पे नहीं है। तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ना, यही है गुफा। मैं कसम से बाबा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं यहाँ से क्या चीज़ छूट गया, इस जगह में जो असली जान थी ना वही यहाँ से चली गई है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ जब भी आते थे बाबा जी यहाँ पे आग तापते हुए रहते थे, चाय पीते रहते थे, और हम लोग जैसे यहाँ पे आए वो स्पेशल हम लोगों को बैठा के कितने प्रेम से चाय पिलाया करते थे, और कुछ अगर खाने पीने की वो वस्तुएं बनाए हुए होते थे तो एक साथ अपने साथ बिठा कर हम लोग को दिए थे ना। हाँ, कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा। सच में जैसे किसी पिता का प्यार मिलता है ना, वैसा ही प्यार उनसे हमें यहाँ पे मिलता था। लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हम लोग 1 साल से यहाँ आ नहीं पाए थे, और देखिए नहीं आने का क्या परिणाम मिला है कि बाबा जी ही यहाँ से कहीं जा चुके हैं। तो कुछ नहीं, तो बस कम से कम बैठ लेते हैं उनके इस जगह पे, उन्हें याद कर लेते हैं। सच में बहुत कमी फील हो रही है उनकी। अगर किसी भी तरीके से वो यह वीडियो अगर देख ले तो जरूर मैसेज करके बताएं कि वो कहाँ है। जब हमारे सर से माँ बाप का साया हट जाता है, हम शायद ऐसे ही प्यार ढूंढते रह जाते हैं जैसे शायद मैं ढूंढ रहा था। एकदम ठीक नहीं लग रहा है यार। तो लगभग आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाबा जी को मिस कर रहे हैं, उनके द्वारा कही गई कई बातों को याद कर रहे हैं, उनका चाय बनाना याद कर रहे हैं, और अब हमें एकदम अनाथ सा महसूस हो रहा है। जैसे किसी के सिर से कोई छत उड़ जाता है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे फील कर रहे हैं, जैसे बाबा जी नहीं है तो हमारे सिर से किसी का साया उड़ गया जैसा महसूस हो रहा है। और ये लग रहा है कि अब कौन इतने प्रेम से हमें यहाँ पे बैठा के चाय पिलाएगा। और एक बार चाय खत्म होता था फिर कुछ देर के बाद और चाय पीना है क्या तुम लोगों को करके फिर से पूछते थे, और ऐसे ही उनसे बातें करते करते हम लोगों का कैसे समय बीत जाता था, कैसे सुबह से शाम हो जाता था हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। तो अगर
किस्मत ने चाहा, भगवान ने चाहा तो फिर से बाबा जी से हमारी मुलाकात होगी। ये सामने जो गुफा है उसके दर्शन हम लोग आप लोगों को करा देते हैं। हालांकि ज़्यादा अंदर में नहीं जाऊंगा, सिर्फ गुफा के प्रवेश द्वार तक ही जाऊंगा। अंदर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। सामने हमारे बजरंग बली जी की पत्थर पे एक सुंदर सी प्यारी सी प्रतिमा है। जय बजरंग बली, ओम भगवते नमः। अच्छा थोड़ी दूर चलते हैं बस। तो ये गुफा का पहला चरण है, पहला चरण है। एक अजीब सा स्मेल है ना अंदर में। चलिए कुछ दूर आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, ज़्यादा दूर तो नहीं। जो ये मेन प्रवेश द्वार है ना गुफा का, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। हालांकि ये जगह खतरे से खाली नहीं, यहाँ पे सांप बिच्छू अन्य कई जीव जंतु शायद दिखते होंगे। और ये पानी पानी वाला रास्ता, ऊपर से पानी भी टपक रहा है। बस हम लोग यहीं तक जाएंगे, आगे एकदम खतरनाक अंधेरा है। अभी जैसे यहाँ पे ये बड़ी जगह दिखाई दे रही है, आगे जाने के बाद यह जो सुरंग है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। और उसके अंदर जैसे ही हम लोग और प्रवेश करते हैं, एक बड़ा सा मतलब हिस्सा है जहाँ पे 2 से 5 हाथियों तक के आने का जगह है। और वहाँ पे है चमगादड़ों का बहुत भारी समूह। बाबा जी बताते थे कि यह जो जगह है ना सीधा पाताल लोक में जाके मिलाता है करके। हम लोग जब भी बाबा जी के पास यहाँ बैठते थे। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ से अंदर जाना शायद उचित नहीं होगा। बहुत ही सुंदर जगह है ये। ये देख बड़ी बड़ी बेलें जो ऊपर से होती हुई नीचे आके अपना जड़ स्थापित कर चुकी है। तो हम लोग बाबा जी की कुटिया से थोड़ा सा बाहर की तरफ आए हुए हैं और सामने ये एक और छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पे खासकर ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये जो आम के पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए जैसे कोई सराई का पेड़ होता है ना एकदम सीधा सीधा, वैसे ही यहाँ पे आम का पेड़ है एकदम देखिए सीधा सीधा। ये सब देखिए आम के पेड़। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाते हैं, बाबा जी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर बाबा जी गए कहाँ। तो मेरा दिल खुशी से पागल हो चुका है, हमारे जो बाबा थे ना वो हम लोगों को दिखाई दे पड़े हैं, जिन्हें मैं यहाँ पे नहीं है सोच रहा था ना, वो देखे वहाँ से उठ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हमारे बाबा जी हमारे सामने हैं देखिए, क्योंकि वो कभी वहाँ से निकलते हुए मेरे को नहीं देखे थे, लेकिन अब वो यहाँ पे सेट हो गए हैं। आपको देख के मैं प्रसन्न हो गया आज। तो बाबा जी चाय का ऑर्डर दे चुके हैं और यहाँ पे हम लोग आए और चाय ना पिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मेरे से भी बड़े जो चहाड़ी है ना वो बाबा जी हैं, अगर मैं 3 कप पीता हूँ तो ये 5 कप पीते हैं। और अंदर में हमारे लिए स्पेशल चाय भी बन रहा है, बाबा जी का आदेश हो चुका है। और ये है वो पवित्र स्थल जहाँ पे हमारे बाबा जी रहते हैं, यहाँ ये है उनका बेड ना। बाबा जी हम लोग के लिए चाय के साथ साथ बहुत अच्छा सेव है, सेव भी मंगा दिए हैं। तो ये है हम लोग का प्रेम देख के बाबा जी के साथ। और इसी में ब्रह्मानंद में रहता हूँ, ऐसे मन धन चलने लगेगा तो ये लोग को छोड़ कर भी पता नहीं कौन किस लोक में चला जाता हूँ। आनंद है यानी मानो जो है ना धन के पीछे पड़ा हुआ है, मैं बड़ा मेरे को दुनिया जाने, केवल मनुष्य अपने को जनाने के पक्ष में। सही, यहाँ बैठे बैठे सोचता हूँ कोई मंदिर बनाया है, कोई तीरथ काशी बनारस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भटके हुए हैं, और कोई ईश्वर के बनाए नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।
बाबा जी का जो है आसन चेंज करवाना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे आराम से विराजे हुए हैं, इनको इनके पूर्व स्थल में, मतलब जो मेन जो अड्डा है बाबा जी का, सही स्थान में इनको जो है फिर से सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हम लोग जो चायानंद जो यहाँ पे लिए, ये हम लोग उस जगह में जाके लें और वहाँ पे कनेक्शन कुछ अलग ही जुड़ता है। और बाबा जी के कथनानुसार मन के तार अलग तरीके से जुड़ते हैं वहाँ पे। हम लोग को चाय पे हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है और बाबा जी फिर से चाय का आदेश दे दिए हैं। देखिए भाई, तुम लोग शेठ अग्रवाल हो, दिए देखा माने आत्मिकता की जो चीज मिलना चाहिए, आत्मा का भोजन। जी, दिन भर में कितना बार चाय पी लेते हैं बाबा? ऐसा फिर से हमारे सामने चाय प्रस्तुत है। बस 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 बहुत स्पेशल दाल बाबा जी अचार की भी व्यवस्था कर दी है। देखिए तो शाम के लगभग 4 बज चुके हैं और अब हमारे निकलने का टाइम आ चुका है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा क्योंकि 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है और पहुंचने में भी 1.5 घंटे का वक्त लगेगा हम लोगों को। तो बस बाबा जी से अब विदाई लेना है और हम लोग फिर बहुत जल्द यहाँ पे आएंगे, नवरात्रि के बाद आएंगे। चले, तो बाबा जी ने भी बहुत सेवा कर दी, पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया है कि बस अब तो रात का खाना भी हम लोग खा पाएंगे यानी कन्फर्म नहीं है, मुश्किल लग रहा है। तो जो भी 3-4 घंटे हमारे यहाँ पे गुजरे, बस कुछ हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से और नवरात्रि के बाद आते हैं बाबा फिर हम लोग। तो बस यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। ओम नमः।